19 दिसंबर को 48 साल के हुए पूर्व इंडियन क्रिकेटर नयन मोगिया की गिनती भारत के स्टार विकेटकीपर बैट्समैन में होती है। हालांकि एक वक्त मोगिया को बेहद खराब बैटिंग के बाद टीम से बाहर भी कर दिया गया था। ऐसा वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में हुआ था। ये विवादित मैच 30 अक्टूबर 1994 को कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला गया था। मैच में टीम इंडिया को आखिरी 9 ओवर्स में जीत के लिए 63 रन बनाने थे। रन रेट 6 से ऊपर जरूर था, लेकिन टारगेट हासिल किया जा सकता था। तब क्रीज पर ओपनर मनोज प्रभाकर और नयन मोगिया थे। भारत के 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन आखिरी ओवर्स में मोगिया और प्रभाकर ने बेहद धीमी बैटिंग की। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों बैट्समैन मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। एक भी बॉल पर वो तेजी से रन बनाने की कोशिश करते नजर नहीं आए। मोगिया अंत में 21 बॉल खेलकर सिर्फ 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कानपुर में हुई इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 257 रन बनाए थे और टीम इंडिया को 258 रन का टारगेट मिला था। ओपनिंग करने आए मनोज प्रभाकर और सचिन तेंदुलकर ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े। मिडिल ओवर्स में कप्तान अजहरुद्दीन ने भी 26 रन की इनिंग खेली। अंत में मनोज प्रभाकर और मोगिया की धीमी बैटिंग के कारण टीम इंडिया मैच 46 रन से हार गई। यहां तक कि प्रभाकर 102 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन टीम को नहीं जिता पाए। दोनों बैट्समैन की बेहद खराब परफॉर्मेंस के कारण उन्हें अगले मैच के लिए टीम से बाहर भी कर दिया गया। यहां तक कि मैच को फिक्स तक बताया गया था। मिलम न्यूज रिपोर्ट।